नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण चहल पहल। गया जिला में डीलरों के द्वारा कालाबाजारी जारी है। कोरोना काल में आए अनाज की बिक्री अवैध रूप से डीलरों द्वारा बाजार में अधिक मूल्य लेकर बेची जा रही है, जिसको लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने बाराचट्टी थाना के सोप शर्मा बाजार से डीलर का अनाज रंगे हाथों पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया है। उनका माल जब टेम्पो से लोड हो रहा था तो हमें गुप्त सूचना मिली कि दयानंद डीलर की यहाँ टेम्पो से माल लोड हो रहा, तो हमने घर में ही आज थे और हम बाहर जैसे ही सोचे कि निकल के देखेंगे, तब तक एक टेम्पो माल पार हो गया। फिर दोबारा टेम्पो जा रहा था तो हम यहीं पे बैठ गए, फिर देखे कि दोबारा टेम्पो पर माल लोड होके आ गया, तो हमने टेम्पो के हाथ देके रुकवाए और महिला लोग 4-5 गो थी सामने, तो हम बोले कि कब बाबू कहाँ के माल है, तो नानन डीलर का माल है। समझे कहाँ लेके जा रहे हो से बोलो, तो बोल कहाँ लेके जा रहे हैं से हम जा रहे हैं, तो बोल किसके के यहाँ, तो हम नाम नहीं जानते हैं लेकिन जगह जानते हैं, वो विकलांग था इसलिए हम कहाँ जा रहा थे पूछे, वो बोला कि बाजार में ही हम एक टेम्पो गिराए हैं और ये दूसरा लेके जा रहे थे बाजार में, तो बाजार में कहीं वो जगह कहा कि हम बता देंगे, नाम नहीं जानते हैं। हम कहें ठीक है तुम जगह बताएगा ना, तो बोल हाँ, तो इसी में हम वो अपना माल गिरा के चला गया। लेकिन बताइए कोरोना में इस हाल है, और मैंने दयानंद डीलर के लिए साफ शब्दों में घर में बुला के कही कि देखिए दयानंद जी मेरा यहाँ घर है और काफ़ी मेरे पास भीड़ लगता है और इस सिस्टम से रहना है, इसलिए आप कम से कम 100% जो सरकार का आदेश है उसको 100% आप पब्लिक बीच में बांटने का काम करें, तो कहीं कि हम सबके दे रहे हैं, अगर किसी को हम लोग कहते भी हैं तो एकदम नहीं देते हैं। और बताइए सबको देते हैं अरवा चावल, और उसना चावल जो उठाते हैं वो पूरे के पूरे ही गबन कर देते हैं। अपना परिचय एक भी पब्लिक कोई नहीं दिए हैं उसना चावल। अपना परिचय दे, मैं पूनम देवी जदयू महिला जिला अध्यक्ष गया। इसकी सूचना हमने 5 मिनट भी नहीं हुआ एमओ साहब के दिए, अभी तक एमओ साहब 3 घंटा हो गया अभी तक एमओ साहब यहाँ नहीं पहुँचे। इसके बाद हमने एडीएसओ के भी दिए, डीएसओ के भी दिए और एसडीओ साहब के कॉल लगाए तो कॉल उठाए ही नहीं, और 3 घंटा हो गया। बताइए 3 घंटा में जब पुलिस आई है तो यहाँ कार्रवाई हो रहा है, उधर से कोई रिस्पांस? कोई रिस्पांस उधर से नहीं मिला, बैक कॉल भी अभी तक नहीं आया कि क्या होना चाहिए, पता ना वो लोग रात में भी नहीं आते अगर प्रशासन नहीं आती तो। प्रशासन को कितना देर पहले सूचना मिली? प्रशासन के तो बस 5 मिनट में सूचना दिए, लेकिन अभी आधा घंटा पहले प्रशासन आए हैं। सूचना मिला कि CDS का माल जो है शर्मा बाजार में कुछ ग्रामीणों द्वारा पकड़ा गया है, इसकी सूचना के सत्यापन में हम लोग थाना में आए हुए हैं, और यहाँ पर 10 पैकेट जो है बड़ा हुआ चावल का बोरा है, इसकी सत्यापन की जा रही है। ये चावल को द्वारा बताया गया है कि ये चावल दयानंद डीलर का है जो शर्मा बाजार के ही है, लेकिन इसकी सत्यापन और ये बोरा का सत्यापन किया जाएगा। एमओ को फोन किया गया है और जवाब नहीं मिला कि आपूर्ति पदाधिकारी यहाँ आने के लिए कोई उनसे संपर्क स्थापित की जा रही है, लेकिन अभी तक उन्होंने फोन संपर्क नहीं पाया है। लगातार प्रयास जारी है कि वो आए और आकर सत्यापन करें कि ये जो माल है प्रीवियस का या रिलीज का क्या माल है चावल जो है। सत्यापन के लिए कहाँ भेजिएगा? वो एमओ ही बताएंगे कि कहाँ लोग भेजते हैं, नहीं बताया जाता है इसका। ये माल जो है सरकार की रिलीफ फंड का है या फिर जिसका जो भी है। आप अपना पार्ट मनोज कुमार सिंह बड़ा चली थाना। गाड़ी आ रहा है उसका।